आज मैं देवमाली आई हूँ और दर्शन भी किए, भगवान देव नारायण जी के मंदिर में दर्शन भी मैंने किए। और यहाँ जो गांव है जिसको कि अवार्ड भी मिला है, केंद्र सरकार ने इसको बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे जो घर हैं मिट्टी के अभी बने हुए हैं, यहाँ कुछ भी इन्होंने पक्के मकान नहीं बनाए हैं और कम से कम 300 से ज्यादा मकान है यहाँ पर, 500 मकान है। और यहाँ बिल्कुल ये लोग अपने पर्यावरण को बहुत संरक्षित करने का भी काम करते हैं। यहाँ पर मैंने इन सबके साथ बहुत कुछ पूरे गांव में घूमी हूँ मैं और सबसे बातचीत भी की। और जिस तरह से यहाँ टूरिज्म की संभावनाएं हैं, पोटेंशियल बहुत है कि यहाँ पर हम लोग टूरिस्ट को भी लेके आए और जो रूरल लाइफ है उसका भी उनको एक्सपीरियंस हो। क्योंकि क्या है कि हमारे जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, इंडियन टूरिस्ट है, वो हमारे फोर्ट्स मॉन्यूमेंट्स तो देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे गांव का रहन सहन है उसका भी इनको अगर आनंद मिले, उसका भी एक्सपीरियंस मिले, तो मुझे लगता है वो एक अलग चीज होगी। और जब हमारे पास इतना सुंदर यहाँ गांव है देवमाली में, तो क्यों ना हम उसमें पर्यटकों को लाने का भी प्रयास करें। और यहाँ जो भी फैसिलिटीज की आवश्यकता है, यहाँ जो विकास की आवश्यकता है, वो हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल करेगी, पूर्ण रूप से करेगी। अभी बहुत सारे प्रस्ताव भी मुझे दिए हैं, हमारे MLA साहब ने दिए, हमारे ओम बडाना जी ने दिए, यहाँ के हमारे सरपंच साहिबा ने दिए, यहाँ के जो स्थानीय सभी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी दिए। तो उस पे भी पूरी तरह से, चाहे सड़क की बात हो, यहाँ पर रोप वे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ की डिमांड है, यात्री विश्राम गृह की बात हो, इन सब पे हम लोग तुरंत ही कार्रवाई करेंगे और यहाँ इसको एक आइडियल विलेज बनाने का, और यहाँ ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, एक ये हमारा एक वो बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। और मैं तो और भी सबको कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो ये यहाँ कर रहे हैं उसमें वो भी हम अपने अपने आप लोग अपने अपने गांव में भी अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाएं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो, जो जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं उसको भी हम लोग अपनाएं, पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, हमारे जो पेड़ हैं, हमारे पशु हैं, उनका हम लोग कैसे और देख रेख कर सकते हैं, उस पर भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है।